राष्ट्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद इटावा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी का 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम 13 जनवरी को गुरु गोरक्षनाथ जी के पावन पवित्र भूमि पर होगा, जिसको लेकर सिद्धार्थनगर के सम्मानित जनता और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने आए हैं। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी के संकल्प दिवस पर मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर कार्यक्रम का आमंत्रण भी दिया गया है और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के आत्मबल सखा महाराजा गुम राज्य निषाद जी की मिलन स्थली एवं अद्भुत किले रिंग वीरपुर धाम के पर्यटक स्थल घोषित करने, साथ ही भगवान श्री राम एवं महाराज गुम राज जी की गले लगी मूर्ति लगवाने को लेकर सरकार को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। अब मैं बधाई नए साल पर सभी लोगों को बधाई देना था, नई कार्यकारिणी थी उसे संकल्प दिलाना था। जिस तरीके से 2013 मैंने निषाद राज के किले पर अपने करियर के जीवन से मैंने संन्यास लिया था, परिवार भर के लोगों को संन्यास दिलवाया था और उसी दिन हम लोग संन्यास लेके संकल्प लिए थे कि असल में निषाद राज का खून होगा तो कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज गले मिले। रावण राज खत्म हुआ था, फिर राम राज आए मतलब सुख का राज आया था, फिर ये सत्ता निषादों के हाथ में आएगा, फिर से भगवान राम और निषाद राज की उस कृपा से फिर से राम राज आए, राम राज का मतलब सुख राज सभी जाति सभी धर्म के लिए। उसके लिए हमें शक्ति प्रदर्शन, हम संकल्प दिवस मनाते, हमारे कार्यकर्ता ठंडा गर्मी नहीं देखते हैं, वो सब लोग इम्तहान प्रकृति इम्तहान लेती है, उस इम्तहान को देने के लिए 13 जनवरी को हम हर साल, हम लोग 9 साल हो गया और 9 साल में हमने 9 बड़े बड़े काम किए और इनको वही बड़े काम याद दिलाना होता है, क्योंकि विरोधी इनके दिमागों पर जाकर डिस्टर्ब करता रहता है, उसको लगता है।